चुनाव जीतने के बाद पहली बार आप सबको याद होगा किसी राज्य में सरकार दो दिन नहीं बनती है तो भाजपा बड़ा व्यंग कसती है। आज दो हफ्ते होने को आ रहे हैं, चुनाव होने के बाद बहुमत पीपल अलायंस को मिलने के बाद सरकार नहीं बन पा रही। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए उस गठबंधन में फूट पड़ी है। उसके लिए ना तो कांग्रेस जिम्मेदार है ना एनसीपी जिम्मेदार है, वो खुद उनकी नीति उनकी सोच उनकी राजनीति जिम्मेदार है। इसलिए भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जनता पूरे नाट्यक्रम को देख रही है और समझ रही है कि जिन लोगों पर वोट डाला जिन लोगों को विश्वास हम लोगों ने दिया वो उस मैंडेट का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, बीजेपी उनके सहयोगी दल हमेशा खटपट की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो अकाली दल हो चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो आज वो शिवसेना हो, ये नई बात नहीं है। लेकिन ये पब्लिक के सामने लगातार साख और छवि गिरती जा रही है भाजपा की, ये बात दिख रही है आज। विधायकों पे दबाव या फिर हम तो कह चुके हैं हमारा मैंडेट जो है विपक्ष में बैठने का है, लेकिन अपने अंतर्विरोध के कारण अगर वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं और 9 तारीख को सरकार का आखिरी दिन है, उसके बाद क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पब्लिक ने चुनाव के बाद लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से अपना मैंडेट दे दिया, उसके बाद अब सरकार नहीं बना पा रहे हैं, क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ये एम्बिशन है, ये व्यक्तिगत अविश्वास है, ये आपस की राजनीति में अंतर कल इतना पैदा हो गया है, इसके लिए वो ही दोनों दल जिम्मेदार हैं। कांग्रेस को डर है की तरफ से आगामी कुछ दिनों में प्रदेशव्यापी देशव्यापी जो केंद्र की आर्थिक कुनीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन होने जा रहा है, उसके लिए सोनिया गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान प्रदेश के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं हमारे माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार सज्जन वर्मा जी, वो आज यहाँ जयपुर में आए हैं और एक मीटिंग हम लोग आज कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर। आज से लेकर 15 तक लगातार हम लोग सड़कों पर आकर केंद्र की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आर्थिक मंदी के कारण जो पूरे देश में हालात पैदा हुए हैं उसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, ये जनता तक पहुंचाना हम चाहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने 8 से 10 के बीच में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया है, धरने का, पदयात्रा का और ज्ञापन सौंपने का प्रधानमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से। उसी पर चर्चा करने के लिए आज सज्जन वर्मा जी यहाँ आए हुए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। और ये बात सच है कि सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हम लोगों ने तमाम चुनौतियों विरोध के बावजूद केंद्र सरकार की जो असहमति रहती है, जो फंड और एलोकेशंस में कमी आती है, उसके बावजूद सरकार हमारी परफॉर्म कर रही है। और हम लोग चाहते हैं कि देश की जनता जाने कि भावनात्मक मुद्दों की राजनीति छोड़कर देश में जो विकट समस्या पैदा हुई है बेरोजगारी की, आर्थिक मंदी की, कारखाने दुकान बंद होने की, और आज इत्तेफाक है कि आज नोटबंदी की वर्षगांठ है, नोटबंदी के कारण जो आर्थिक कमी आई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा की तरह जनता की आवाज़ को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। आज से लेकर 15 तक लगातार हमारा कार्यक्रम रहेगा। 13 तारीख को जिला कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से हम लोग एक पदयात्रा निकालेंगे यहाँ से लेकर सिविल लाइंस फाटक तक, और फिर 13 तारीख को दोपहर को हम लोग ज्ञापन देंगे माननीय महामहिम गवर्नर साहब को, जो कि प्रधानमंत्री जी की को दिया जाएगा, कि आंखें खोलकर नींद तोड़कर जनता की आवाज़ को सुने और नौजवान और बेरोजगार और गरीब तबके पर जो आज प्रहार किया जा रहा है आर्थिक मंदी के माध्यम से, उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना अपेक्षित है। इस सिलसिले में आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और मैं पुनः एक बार सज्जन वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सज्जन जी और मैं संसद में साथ रहे हैं और आज मुझे खुशी है कि एक कैबिनेट मंत्री के रूप में वो प्रदेश में काम कर रहे हैं, पुराना नाता रहा है हम लोगों का, और आज वो पीसीसी आए हैं पहली बार, मैं इनका बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे विधायक तो जीत के आए हैं, हम लोग हमारा एनसीपी का गठबंधन था जितना लोग उम्मीद करते थे उससे कहीं बेहतर हमने परफॉर्म किया है, लेकिन हमारा मैंडेट विपक्ष में बैठने का है। लेकिन ये पोचिंग की राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति भाजपा करती आई है। आज तो आपको सवाल पूछना चाहिए कि शिवसेना के विधायक होटलों में क्यों बंद हैं? जो उनके सहयोगी दल हैं वो अपने सहयोगी से डर के भाग रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल तो ये है, शिवसेना क्या काम है? इस पर मुझे लगता है हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पहले जिस गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा किया है उनका वो अपने पत्ते खोलें, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमारी पार्टी और एनसीपी का गठबंधन था, बहुमत हमको नहीं मिला है, स्पष्ट है। आज जिम्मेदारी उन लोगों की है जो बहुत कहते थे हम 250 सीट जीतेंगे, 200 सीट जीतेंगे, बावजूद मैंडेट के वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मजाक लोकतंत्र के साथ है। अब सज्जन जी।